इसराइल और हमास के बीच 13 दिन से युद्ध चल रहा है। इसराइल ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया है और अब अंदर घुसकर हमास के लड़ाकों को तलाशने की तैयारी है। इधर हमास के समर्थन में लेबनान समर्थित हिजबुल्ला की तरफ से भी इसराइल पर अटैक किया जा रहा है। हालांकि हमास और हिजबुल्ला को मुंह की खानी पड़ रही है क्योंकि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत इसराइल में बड़ी तबाही होने से रोक रहे हैं। गुरुवार को अमेरिकी युद्धपोत ने यमन के हौथी विद्रोहियों की क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को सेकेंडों में मार गिराया। पेंटागन ने गुरुवार को बताया कि यमन के हौथी विरोधियों की तरफ से क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को लॉन्च किया गया था, जिसे अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने तुरंत रोक दिया। ये संभावित रूप से इसराइल को निशाना बना रहे थे। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर के अनुसार यूएसएस कार्नी उत्तरी लाल सागर में काम कर रहा है। उसने हौथी विद्रोहियों द्वारा लॉन्च किए गए 3 लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों और कई ड्रोनों को मार गिराया। इन घातक मिसाइलों और ड्रोन को पानी के ऊपर गोली मारी गई। उन्होंने कहा, ये कार्रवाई इंटीग्रेटेड वायु और मिसाइल रक्षा आर्किटेक्चर का प्रदर्शन थी, जिसे हमने मध्य पूर्व में बनाया है और अब हम इसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने सहयोगियों और हमारे हितों की रक्षा में उपयोग करने के लिए तैयार है। अमेरिकी बलों से जुड़ा कोई जवान हताहत नहीं हुआ है, किसी नागरिक की भी जान नहीं गई। उन्होंने कहा, ये मिसाइलें यमन के अंदर से लॉन्च की गईं और लाल सागर के साथ उत्तर की ओर संभवत इसराइल को टारगेट बनाकर जा रही थी।